हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिजाइन है। अगर आप नया नया बुनाई करना सीख रहे हैं तो भी इस डिजाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो है 8 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने होंगे, यानी कि 8 के गुने में आपको फंदे लेने होंगे और 5 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना होगा। सिर्फ 6 सलाइयों में ये बुनाई डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाता है। जो 6 सलाइयां आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इतना सुंदर लगता है ये वाला पैटर्न बनने के बाद कि आप लोग ना, इसको ऐसा लगेगा जब आप इसको कोई प्रोजेक्ट बना के पहनेंगे तो लगेगा कि आपने मतलब रेडीमेड खरीदा हुआ है। बहुत सुंदर डिजाइन बन के आता है। पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो आपकी फ्रंट साइड से स्टार्ट होगी। अभी देखिए मैं अपनी फ्रंट साइड पे हूँ। पैटर्न की फर्स्ट रो फ्रंट साइड से पहला फंदा मैं सीधा बना लूंगी। इसके बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बनाएंगे। बना लिया। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। देखिए यहाँ पे एज स्टिच को छोड़कर ये जो 8 फंदे हमने बनाए, 3 फंदा उल्टा, 2 सीधा, 1 उल्टा, 2 सीधा, यही हम फिर से रिपीट करेंगे। 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, सॉरी 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदा उल्टा। अब लास्ट में एक एज स्टिच बचेगा, इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे हमने रो 1 बना के कंप्लीट कर ली। ठीक है, रो 2 पर आ जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे हमें जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इनको हम सीधा बनाएंगे। 3 फंदा सीधा दिख रहा है तो 3 फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, देखिए 2 फंदा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, देखिए ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा, सॉरी 1 फंदा सीधा नहीं होगा, यहाँ पे 3 फंदा सीधा होगा। ये देखिए अब होगा 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर देखिए 3 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ, एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। आ जाएंगे हम अपनी फ्रंट साइड पैटर्न की रो नंबर 3। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने 2 फंदा सीधा दे बनाया है और ये बीच में उल्टा फंदा है, इसके नीचे से उल्टे फंदे के नीचे से जाके हम लूप बनाएंगे। 1, 2, 3 लास्ट में बना लेंगे। यहाँ पर ऐसे एक लूप बना के इसको खींच लेंगे। अब 2 फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ एक लूप यहाँ बनाया, अब एक लूप यहाँ बनाएंगे। तो देखो कैसे, इसी जगह से देखो ऐसे करके एक लूप ऐसे बना लेंगे, इसको थोड़ा खींच देंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदा उल्टा, आगे भी हम यही रिपीट करेंगे ऐसे। देखिए धागा पीछे। अब सबसे पहले लूप निकालेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे यहाँ पे उल्टे फंदे के नीचे, फिर इसको ऐसे लूप खींच लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर देखो यहाँ पे 1 फंदा ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे, सॉरी यहाँ पे देखो 1 फंदा ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींच लेंगे, इसको थोड़ा खींचेंगे, लूज कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे ऐसे। आ जाएंगे पैटर्न की रो नंबर 4 पर। पहला फंदा स्लिप करके इस रो में भी जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। देखो 3 फंदे सीधे हैं, सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3।
इसके बाद देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पे एक ये लूप वाला फंदा है तो इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, बुनेंगे नहीं। अब हम यहाँ पे दो फंदा उल्टा बनाएंगे, वन टू, धागा पीछे, जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन जो लूप वाला फंदा है उसको हमें स्लिप कर लेना है उल्टी साइड से। देखो अब इसको भी स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, धागा अपनी तरफ, देखो फिर से लूप वाला फंदा आ गया, स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, अब दो फंदा देखो ऐसे सीधा बनाएंगे, सॉरी दो फंदा उल्टा बनाएंगे, ओके दो फंदा ये उल्टा बनाएंगे, एक फंदा ये हम सीधा बनाएंगे, फिर से दो फंदा उल्टा, लूप को हम स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा और एज स्टिच। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, वहाँ पे मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद आ जाए। और मेरे उस चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कीजिएगा, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, प्यार सपोर्ट दीजिएगा जैसे इस चैनल को दिया है वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने चार सिलाइयाँ बना ली, अब रो नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अलग है बिल्कुल, ध्यान से देखना, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, वन टू और ये थ्री, ठीक है, धागा पीछे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये देखो दो फंदों का एक फंदा बनाना है, ये लूप वाले फंदे को हमें ऐसे करके ऐसे करना है, अब यहाँ पे दो का एक करते हुए सीधा बनाना है ऐसे, फिर एक फंदा ऐसे। अब इस उल्टे फंदे से यहाँ से हमें एक लूप बनाना है, और वो भी कहाँ पे, अब हमें यहाँ पे लूप बनाएंगे, देखो कैसे, इस जगह से, ये सेंटर में वन टू, यहाँ से हमें एक ऐसे लूप बनाना है इस तरह से, देखो इसको थोड़ा सा खींच लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब यही लूप हमें फिर यहाँ से भी बनाना है, देखो वन टू, यहां से देखो, ये देखिए हो गया, देखो एक बार फिर से देखेंगे, एक उल्टा फंदा बनाने के बाद देखो फिर यहां वन टू, यहां से हमें एक लूप ऐसे बनाना है, ये देखो ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब दो फंदा सीधा बनाएंगे, वन और ये दो का एक कर देंगे ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, वन टू थ्री, धागा पीछे, अब फिर देखो इसको ऐसे घुमा के दो का एक कर देंगे सीधा बनाते हुए, फिर इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब यहाँ से फिर यहाँ से क्रॉस करता हुआ एक लूप बनाएंगे, ये जो बड़ा सा होल दिख रहा है यहाँ से, जब आप बनाओगे ना इस डिजाइन को अपने आप आपको दिख जाएगा ये होल, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे बीच का, अब उल्टे फंदे के इधर उधर लूप बनाना है, ठीक है, धागा पीछे, फिर हम यहाँ से एक लूप बनाएंगे ऐसे, ये देखो, फिर एक फंदा सीधा और यहाँ पे दो का एक कर देंगे इस तरह से, ये देखो, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपनी रॉन्ग साइड, तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे जो जैसा रो नंबर 6 है, जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, देखिए तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये देखो दो फंदा उल्टा, अब एक लूप है इसको स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इसे स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर ये लूप को स्लिप करके, सॉरी लूप नहीं है ये, देखिए लूप को स्लिप कर लेंगे, ये कर लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर लूप स्लिप करेंगे, धागा पीछे,
लूप को स्लिप करके दो फंदे उल्टे और यहाँ पे तीन फंदा सीधा, एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे ऐसे। तो देखो ये चार सिलाइयां हम रिपीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करना क्या है, थोड़ा सा देखना। नेक्स्ट रो जो है रो वन, पहला फंदा स्लिप करके तीन फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक फंदा सीधा पहले, सॉरी एक फंदा सीधा नहीं, पहले हम यहां से एक लूप निकालेंगे। देखो यहां से इस जगह से, यहां से बैक जाएंगे दो और यहां से हमने एक लूप नया बना लिया, ये वाला नया बनाया। इसके बाद हमने एक फंदा सीधा और यहाँ पे ये लूप वाला फंदा दो का एक किया, ऐसे करके ये क्रॉस में हो गए लूप। फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा हमने ये उल्टा बनाया, धागा पीछे, फिर देखो दो का एक फिर से हमने बनाया और फिर एक फंदा सीधा बनाया। अब फिर से हमने इसी जगह से एक लूप और बनाना है ऐसे, ये देखो धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से देखो यहाँ पे पहले हमें एक लूप बनाना है, 1 2 3, बैक जाके ऐसे रखेंगे लूप को, ऐसे लिया और उसके बाद एक फंदा सीधा और लूप के साथ दो का एक कर देंगे ये, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहां से हमें एक लूप इसी जगह से बनाना है ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये हम इसी तरह से चार सिलाइयां रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये डिजाइन हमारे पास इस तरह से बन के आएगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इस तरह से ये डिजाइन हमारे पास बनकर आ जाता है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा डिजाइन बनकर आता है। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनता है। फ्रंट साइड से ऐसे और रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।